यह एक चीज करो, आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, उनकी इच्छा तो बहुत है कुछ ना कुछ करने की, काम करने की, मगर जी नहीं करता, मगर हिम्मत नहीं होती। उनको कोई प्रोजेक्ट लेना है, उनको कोई नया बिजनेस चालू करना है, एग्जाम को बैठना है, कोई किसी को मिलने जाने का है, लड़की को प्रपोज करने का है, अपनी गर्लफ्रेंड उसको प्रपोज करना है, मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी करना है तो उनको डर लगा रहता है। और फिर उसका परिणाम जो प्रभाव जो है वो ऐसा होता है कि वो चीज़ करती नहीं है, और फिर उनको लगता है क्या मैं करता था तो काश मुझे सफलता मिलती थी, बहुत तो आसान था, ऐसा उनको लगता है। अब इसके लिए क्या करें? देखिए कि असफलता का डर जो है वो सिर्फ दिमाग में आने से, मतलब वो भविष्य में असफल हो जाएंगे ऐसा उनको लगता है, और भविष्य में असफल हो जाएंगे ये दिमाग में आने से, सिर्फ दिमाग में आए तभी भी, विचार भी आए तभी भी उनको सीने में धड़कन हो जाएंगी, घबराहट हो जाएंगी, बेचैनी हो जाएंगी, हाथ कांपेंगे, उधर घबराहट इतनी हो जाएंगी कि इधर से उधर कर लेंगे। उनको लगता है नहीं वो टाल दो, वो सोचो ही मत भाई, ऐसा उनको लगता है। अभी ये यदि हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लोगों को अतीत में ऐसा कुछ तो भी हुआ है, भूतकाल में ऐसा कुछ तो भी हुआ है कि जिसका डर उनके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, कुछ तो भी ऐसा हुआ है। एक तो वो फेल हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मार पड़ गई, कोई लड़की को प्रपोज किया उसने ना बोल दिया और कुछ तो भी बहुत बवाला हो गया, या फिर पैसे का लॉस हो गया, धंधा बढ़ गया, कुछ ना कुछ अतीत में हुआ है, खुद का हुआ है, घर में और किसी का हुआ है, दोस्त का हुआ है, या कहीं अखबार में टीवी में पढ़ा है, कहीं ना कहीं अतीत में हुआ है, और उनको दिमाग में ऐसा बैठ गया कि नहीं भाई अपन नहीं करेंगे, वो मैं यदि करूंगा तो प्रॉब्लम आने वाला है, और वो डर के मारे वो करते भी नहीं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए एक ही है कि भाई जिनको जिनको ये प्रॉब्लम है उन्होंने ये दिमाग में सोचना है कि भाई मुझे ये डर कहाँ से आ रहा है। ये डर आ रहा है भूतकाल से या अतीत से, ठीक है ओके, उसको प्रेजेंट हो जाओ, वो प्रतीत करो अपने सामने कि भाई ये मुझे जो डर आ रहा है वो अतीत से आ रहा है। अच्छा, उसका संबंध है क्या? नहीं है। वो घटना अभी हो रही क्या? अभी नहीं हो रही है। अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसका भय, उसका डर पक्का बैठा हुआ है, और वो जैसा विचार आता है भविष्य में करूंगा, तो इधर दिमाग में वो विचार जो चालू हो जाते हैं, और विचार चालू होने से फिर घबराहट हो जाती है, और फिर आदमी कुछ भी करता नहीं है। तो वो अतीत है, उसका संबंध नहीं है, उसको पहले प्रेजेंट होना पड़ता है कि अतीत है, भूतकाल में हुआ है, उसका संबंध नहीं है। अभी जो भी अतीत में हुआ है वहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, वहाँ से क्या मैं लेसन ले सकता हूँ, वो लेसन ले लो। आगे जो हो रहा है, आगे जो होने वाला है वो है काल्पनिक कि भाई फेल हो जाऊँगा, वो काल्पनिक डर है, काल्पनिक भय है, उसको प्रेजेंट हो जाओ। और वो यदि आप होते हैं काल्पनिक डर को प्रेजेंट, तो फिर वहाँ से लेसन लिया, वहाँ से सीख लिया, और नए सिरे से फिर से काम चालू कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि बॉम्बे में जाना है मुझे, यहाँ से मुंबई जाना है, और मैं कार से जाऊँगा तो मुझे हो सकता है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हो सकता है कार खराब हो जाएगी, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो भी केयर मुझे लेना है वो केयर मुझे लूँगा, जो भी खबरदारी लेना है वो पूरी केयर लेके मैं निकलूँगा, तो कुछ भी हो गया तो उसका मैं मुकाबला कर सकता हूँ, सामना कर सकता हूँ, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो भी अभी आने वाला है भविष्य में, जिसको भी जो भी मुझे करने का है, उसकी पूरी तैयारी करता हूँ, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करता हूँ, पूरा प्लानिंग में तैयार करता हूँ, एक 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 स्टेप में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है वो देखता हूँ डेफिनेटली, और अतीत से लेसन लेता हूँ तो डेफिनेटली मुझे आगे सफलता मिलेगी। तो अतीत में जो भी कुछ हुआ उसको भूलना है, अतीत को लाने का नहीं, भूतकाल को, वहाँ से लेसन ख्याल में रखने का है, और भविष्य की स्ट्रैटेजी बनाने का है। वो यदि करते हैं तो भविष्य में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। ये वीडियो आप सभी लोग जो नया काम करने के लिए, नया प्रोजेक्ट लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए, प्रपोज करने के लिए, जहाँ भी उनको डर लग रहा है, उनको ये वीडियो शेयर करो, आपके दोस्तों को, उनको फायदा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।